भारत गांव में बसता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारा अन्नदाता हमारा सब कुछ है। ये बातें बहुत हो गई, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम समझ पा रहे हैं अन्नदाता जो है हमारा, जो फार्मर है, उसकी रियल प्रॉब्लम क्या है? उसकी आय को दूना करने की बात हो रही है, लेकिन क्या वो सच में संभव है? अगर संभव है तो कितना समय लगेगा और क्या करना होगा? तो मैं मुकेश शुक्ला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आपके लिए आज वो बातें लेके आ रहे हैं जो किसान के साथ जुड़ के आप या किसान खुद जो है वो अगर उनको अप्लीकेबल करेगा, वो उन बिजनेस मॉडल्स में जो है वो काम करेगा, उस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ जुड़ेगा, तो वो जो है वो अपनी स्थिति को बदल पाएगा। और जब किसान की स्थिति बदलेगी तो ये देश जो है वो, इसे 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो गाँव पर निर्भर है, जहाँ कंट्रीब्यूशन आज भी जो है वो जीडीपी का सिर्फ 14% जाता है। वो कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में बढ़ेगा और साथ साथ में जो है वो किसान, उसके परिवार, उसका लाइवलीहुड, उसका सामाजिक स्तर भी बेहतर होगा। तो आज हम पूरी बात करेंगे प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन पे, हम बात करेंगे एडवांस जो है वो फार्मिंग सिस्टम पे, हम बात करेंगे कि जो है वो क्या क्या और एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या क्या जो है वो फ्यूचर में जो है वो किसानों को मिलने वाला है और क्या जो है वो उसको जो है वो एक वर्किंग पॉपुलेशन है, उसको मेहनत करना आता है। उसकी मेहनत में अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को जोड़ दें, हम नए मेथड्स को जोड़ दें, हम एक मार्केट से ऐसे प्रोडक्ट जो हाई वैल्यू हो, हाई क्वालिटी हो, और उसको जो है वो कल्टीवेट उसको कराएं, तो ज़रूर उसकी पोजीशन सुधरेगी। वो नॉर्मल क्रॉपिंग से जो धान है या गेहूँ है या गन्ना है, उससे वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। जैसे MSP बढ़ रहा है 10%, 20%, वैसे उसकी भी ग्रोथ होगी, लेकिन जब तक वो उतना आगे बढ़ता है, उसकी जो है वो जो भूमि है वो कम होती जाती है, क्योंकि परिवार बढ़ता जाता है, उस महंगाई बढ़ती जाती है और उसकी डिपेंडेंसी उस परिवार की या तो उस छोटी सी जो है वो जगह पे बढ़ जाती है या जो है वो उसको पलायन करना पड़ता है। तो अगर हम ये मेथड को ला पाएँ तो इससे दोनों लोग बेनिफिटेड होंगे, जो है वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छा बिजनेस मॉडल ढूंढ रहे हैं, वो किसानों के साथ मिलके या खुद किसान बनके या खुद छोटी सी जोत लेके और फार्मिंग को बेहतर कर सकते हैं। और जब फार्मिंग बेहतर होगी तो जो है वो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि आज भी फॉरेन में बात होती है तो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो ज़्यादातर प्रोड्यूस हैं, स्पेशली जो वेजिटेबल्स हैं या हमारे फूड ग्रेन्स हैं, वो पास ही नहीं होते उनके जो है वो स्टैंडर्ड, उनके मानकों में, और वो जो है वो क्वालिटी ना होने की वजह से जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं या उनको रेट प्रॉपर नहीं मिलता। आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं, स्पेशली जो है वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे, स्पेशली जो हाईटेक टेक्नोलॉजी पे। तो जो आज बातें होंगी उनमें जो मेनली होगा, इसमें जो है वो नॉर्मल जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें चैलेंजेस क्या हैं, अगर वो चैलेंजेस हैं तो उनको कैसे ओवरकम करा जा सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी से। और ज़्यादा फोकस होगा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे। इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्या क्या जो है वो इक्विपमेंट या क्या क्या जो है वो मटेरियल यूज़ होता है, इसके लिए बिजनेस मॉडल, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, और सबसे ज़रूरी है कि इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम क्या है, इन सब पे आज बात होगी। तो आप लास्ट तक बने रहिए और ज़रूर आप जो है वो इसको जो है अपनी किसी भी तरीके से इस बिज़नेस मॉडल को अडॉप्ट करिए। अगर फार्मर हैं तो बेस्ट है, अगर फार्मर नहीं है तो फार्मर से जुड़ के या ज़मीन लेके इस मेथड को आप किसी भी इंडस्ट्री को लगाते हैं तो ज़मीन तो लेते हैं, और इन मेथड्स में बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, ना केवल जो है वो किसान की आय को दूना तिगुना करने में मदद कर सकते हैं, इस देश की जो है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में और एग्रीकल्चर का जो है वो GDP में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने में भी आप मदद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर तो हो ही रही है, तो जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर हो रही है उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और आप समझेंगे तो ये बहुत भयंकर चैलेंजेस हैं जिनको हम आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। खासकर वो किसान जो है वो शायद बहुत कम रियलाइज़ कर पा रहा है, लेकिन हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। आज जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में हमने जब 1950 के बाद जब बहुत से पहली जो है वो देश में भुखमरी आई, तो सबसे ज़्यादा जो है वो ये हुआ कि आप पूरी तरीके से जो है वो अपनी क्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कैसे हो, इस पर हमने फोकस किया। आपको याद होगा कि जो है वो शास्त्री जी ने कहा था कि एक ही टाइम हम भोजन करें, तो सोचिए अगर एक टाइम भोजन कर रहे थे उस टाइम, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है फूड ग्रेन्स नहीं थे, जिसकी वजह से हमने जो है वो पेस्टिसाइड बेस्ड जो है वो, जिसको हमने हरित क्रांति भी कहा, लेकिन हरित क्रांति तो थी लेकिन वो केमिकल बेस्ड थी और धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो केमिकल पे बढ़ती गई। तो आज जो है वो केमिकल से ना केवल हम जो है वो चारों तरफ बीमारियां देख रहे हैं, पर ये बहुत बड़ा जो है वो ये पेस्टिसाइड जो यूज़ हो रहा है, जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा जो ग्राउंड वाटर है ये बहुत बड़ा जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो पीने का पानी है वो माना जा रहा है कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और ये बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे जगह ये दिखने लगा। जो मोनोकल्चर कल्टिवेशन है वो हमारे लिए जो है वो एक प्रॉब्लम बन गया है। जितना हैवी हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो सॉइल कंपेक्शन को जो है वो बढ़ा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे लिए जो है वो चैलेंजेस हैं जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में जो है वो हमको दे रहे हैं। जब हमने बात की किसानों की आय को जो है वो हमको बढ़ाना है, तो हम किस माध्यम से बढ़ाना है, कैसे हम उनके किसानों की आय को बेहतर कर सकते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको बात करनी होगी कि ऐसा प्रोडक्शन जो राउंड द ईयर हो। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने उनका केवल सीजनल क्रॉप पे उनकी डिपेंडेंसी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो क्वालिटी बेहतर हो, जिससे हम एक्सपोर्ट कर सकें, उनको जो उनके प्रोड्यूस की मार्केट बेहतर मिल सके और दुनिया में उनकी मार्केट बन जाए। केवल वो लोकल मंडी या अपने जो है वो किसी ब्रोकर तक डिपेंडेंसी उनकी ना रहे। जब वो हाई क्वालिटी की क्रॉप करेंगे तो दुनिया उसको चाहेगी और वो एक्सपोर्ट से जुड़ेंगे। हाई वैल्यू ऐसी क्रॉप वो पैदा करें जो नॉर्मल कन्वेंशनल से ज़्यादा जो है वो मतलब डिपेंडेंसी उनकी ना रहे। हाई वैल्यू की क्रॉप होगी तो उनको जो है उसके मार्केट पे ज़्यादा रेट मिलेगा। इसके अलावा जैसे वाटर की प्रॉब्लम आती जा रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी क्रॉप की तरफ जो है वो आगे बढ़ना, जहाँ पे या बहुत जगह पानी नहीं है, जहाँ है भी तो आगे प्रॉब्लम आने वाली है। तो जहाँ पे इफ़िशेंट वाटर यूजेज हो और उसको जो है वो ज़्यादा देर तक उस नमी को जो है वो रखा जा सके। ऐसा भी है कि केवल वो पानी देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको अपनी सॉइल में वो पानी रहे जिससे कि वो पौधा हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस पानी को ले सके। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारे जो है वो टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें सबसे ज़्यादा बात हो रही है प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन की, जिस पर हम और डिटेल में जाएंगे। तो पूरा सेशन आज हम प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन पर लेके आने वाले हैं, पर इसमें ज़रूरी है कि हम ये समझें कि प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन ही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो अलग अलग आयाम है जिसमें आप हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने कम स्पेस में ज़्यादा वैल्यू की, ज़्यादा हाई क्वालिटी की क्रॉप्स को आप कर सकते हैं। तो पहला तो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन है, दूसरा हाइड्रोफोनिक है। जैसा आप समझ रहे हैं हाइड्रोफोनिक में हम जो है वो वाटर का यूज़ करके कुछ छोटी सी जगह पे जो है वो अपने हाइड्रोफोनिक सिस्टम को बना के इसको हम बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। एक्वाफोनिक है, इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे, पर ये आप समझें कि ये क्या है और कैसे इसमें हम बेहतर ढंग से इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने किसानों की इनकम को बेहतर बना सकते हैं। ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम है, जैसे हमने आपको बात की कि कम पानी में हम कैसे ज़्यादा या अपने जो है वो लिमिटेड जितना उस पौधे को पानी चाहिए उतना ही हमको देना पड़े और हम उसमें जो है वो बेहतर से बेहतर इरिगेशन सिस्टम से अपनी जो है वो क्रॉप को बेहतर कर सकें। इसके अलावा आज की डेट में जो है वर्टिकल फार्मिंग बहुत हो रही है, जिसमें हम लोग सेंसर और जीपीएस बेस्ड जो है वो बहुत सारी फार्मिंग हो रही है। हम बहुत सारा टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ कर रहे हैं, हम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें आईओटी यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें जो है वो ड्रोन का असिस्टेंस ले रहे हैं, हम इसमें जो है वो पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट के बहुत सारे टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, लाइट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। हम इसमें एआई और डेटा साइंस को इनेबल कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर में डे बाय डे जो है वो इंटर होती जा रही है, वन बाई वन इंटर होती जा रही है। ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को हम अपने किसानों तक कैसे पहुँचाएंगे और जैसे इनको जो है वो हम यूज़ टू करेंगे, हमारे किसानों की आय जो है वो दोनों के लिए होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के सेशन जो पूरा सेशन बेस्ड है वो हम प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन पर बात कर रहे हैं। ये एक पूरा सेशन जो है वो किसी एक टॉपिक पे ही कंप्लीट किया जा सकता है। बाकी सेशन के लिए आप इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत सारी वर्कशॉप्स हमने कर रखी हैं, उसमें आप जाके उन्हें जो है वर्कशॉप्स को डाउनलोड करके सारे जितने मैंने बातें की हैं, वो चाहे ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एक्वाफोनिक हो, चाहे वो हाइड्रोफोनिक हो, इन सब पे वर्कशॉप्स हैं जो ईजिली अवेलेबल है और आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो प्रॉपर जो है वो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन क्या है। हम चारों तरफ देखते हैं ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, जो है वो नेट हाउस, ये क्या है और कैसे जो है वो इनके क्या बेनिफिट्स हैं और इनमें हम कैसे वेजिटेबल्स को, क्रॉप्स को, हम कौन से जो है वो फ्रूट्स को, कौन सी जो है वो हम सीड्स को, कौन से सिप्लिंग्स को कैसे हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे आप अपनी इनकम को दूना और शायद 5 गुना कर सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। आज पूरे सेशन जो है वो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन पे है और उस कल्टिवेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही, क्या इक्विपमेंट लग रहा है, अब आप ये जानें। जब हम प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके नाम से ही पता चलता है कल्टिवेशन को जो भी तरीका है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट किस चीज़ से करते हैं? बहुत सारी चीज़ों से हम प्रोटेक्ट करते हैं। ज़्यादातर हमारे प्लांट, जैसे हम स्ट्रेस में आते हैं ऐसे प्लांट भी स्ट्रेस में आते हैं। जब प्लांट स्ट्रेस में आता है तो उसमें यील्ड नहीं होती या रिक्वायर्ड यील्ड नहीं होती या वो जो है वो अपनी पूरी यील्ड ख़राब हो जाती है, क्वालिटी की नहीं होती है। तो ये स्ट्रेस के, अगर हम कल्टिवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन की बात करें तो हमको सबसे पहले स्ट्रेस को समझना होगा कि हमारा जो प्लांट है वो किस तरीके के, किस चीज़ों से स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहले इसमें 2 तरीके के स्ट्रेस होते हैं, बायोटिक और ए बायोटिक। जो बायोटिक स्ट्रेस हैं, जैसे आप नाम से ही पता चल रहा है कि जो लिविंग चीज़ें हैं, जैसे आदमी है, एनिमल है, बर्ड्स हैं, डिजीजेज हैं, पेस्ट हैं, ये सारी चीज़ों से जो है, वीड्स हैं, ये सब जो है वो हमारे क्रॉप को ख़राब करती है। तो ये जो भी, जिनको हम बायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। और ए बायोटिक स्ट्रेस, जैसा जो भी टेम्परेचर है, जब वो ज़्यादा होता है या बहुत कम हो जाता है तो हमारे जो है वो प्लांट स्ट्रेस में होता है। वाटर में जो है वो हार्डनेस हुआ अगर है तो उसमें जो है, या उनका पीएच लेवल ठीक नहीं है, उसमें जो है वो, अगर हमारी सॉयल में जो है वो जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, अगर ह्यूमिडिटी प्रॉपर मेंटेन नहीं है या किसी तरीके से जो है वो गैस फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह की चीज़ों से जो है वो हमारे जो पूरे प्लांट है वो स्ट्रेस में आ जाता है। जो क्रॉप है उसको हम लोग जो है वो कंट्रोल एटमॉस्फेयर में कर पाएँ, और कंट्रोल एटमॉस्फेयर जो है वो ऐसा हो जिससे कि हम ना केवल उनके जो प्लांट को जो चाहिए, जो उसको जो है जो एटमॉस्फेयर चाहिए, कहीं पे अगर गर्मी ज़्यादा है तो हम उसको ऐसा एटमॉस्फेयर दें कि वहाँ पे जो है वो गर्मी कम हो और उस प्लांट को एक नेचुरल टेम्परेचर मिले। तो अगर उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कहीं पे पानी गिरता है तो अगर हम उसको रोक सकते हैं तो हम उसको वो एटमॉस्फेयर दें जहाँ पर वाटर का डायरेक्ट उनसे जो है वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट को जो है वो हम कंट्रोल कर पाएँ, डायरेक्ट वाटर वहाँ पे ना जाए, जितना नीडेड है हम वो किसी ड्रिप इरीगेशन से या नॉर्मल इरीगेशन से उन तक पहुँचा पाएँ। इससे होगा क्या कि हमारा जो है वो ऐसी क्रॉप की जो यील्ड है जब वो स्ट्रेस नहीं होंगे, उनको उनके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो सबसे पहला काम होगा कि उनको जो है उनकी यील्ड बेहतर होगी। दूसरा, जब हमने एटमॉस्फेयर को ही कंट्रोल कर लिया तो हमारे पास मौसम पे डिपेंडेंसी नहीं रह गई, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम जो नॉन सीजनल क्रॉप्स हैं उनको भी जो है वो कंट्रोल एटमॉस्फेयर में जो है वो कल्टीवेट कर पाएंगे। इसके अलावा मल्टीपल क्रॉप्स को, मल्टीपल तरीके के वेजिटेबल्स को, मल्टीपल तरीके के फ्लोरीकल्चर्स को, मल्टीपल तरीके के जो है फ्रूट्स को हम यहाँ पे पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा हम सीड्स को भी और जो है वो सिप्लिंग्स को भी पैदा कर सकते हैं, जिससे कि आगे जो है वो आने वाली क्रॉप बेहतर होगी अगर हम बेहतर सीड्स को जो है वो या उनके सिप्लिंग्स को वहाँ पहुँचा पाएंगे। इसके अलावा हम जो है वो जो भी हमारे फर्टिलाइज़र हैं या बहुत सारा पेस्टिसाइड है उस पर डिपेंडेंसी कम कर पाएंगे, जिससे कि हमारा जो है वो क्वालिटी इम्प्रूव होगी और बेहतर जो है वो हाइजेनिक प्रोड्यूस हम पैदा कर पाएंगे। इससे ज़्यादा किसान को जो है वो, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी मौसम से हट जाएगी तो उसका जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल होगा, उसकी जो है वो रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, उसकी जो डिपेंडेंसी मौसम पे है, कभी उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, कभी एकदम बर्बाद हो जाती है, ऐसा कोई डर नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है उसको मिलने वाली हैं जब हम बात करने वाले कंट्रोल एटमॉस्फेयर के बिजनेस मॉडल पे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानिए अब इसके बाद कि कौन कौन से जो है वो कंट्रोल एटमॉस्फेयर के जो है वो मेथड हो सकते हैं या उनके बिजनेस मॉडल हो सकते हैं जिसको आपको अडॉप्ट करना है। जब हमने प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन की बात की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये समझना है कि प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग जो है वो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जिसमें हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। पर आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट की जो है वो कितने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे इसकी डिपेंडेंसी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आप क्या क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन क्रॉप्स के अकॉर्डिंग आप जो है वो अपने जो है वो बिज़नेस मॉडल को सिलेक्ट करें। तो सबसे पहला जो बिज़नेस मॉडल है उसको हम लोग ग्लास ग्रीन हाउस कहते हैं। हमने बहुत सारा देखा होगा ग्लास ग्रीन हाउसेज बने हुए, जो ज़्यादातर जब हमको कोई भी एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना होता है जो राउंड द क्लॉक जिसको चलना है, जिसमें जो है वो हम पूरे ईयर जो है वो कल्टिवेशन दे सकते हैं, तो ऐसे हम ईयर राउंड कंट्रोल एटमॉस्फेयर के लिए ग्लास जो है वो ग्रीन हाउसेज को यूज़ करते हैं। पॉली हाउसेज, जब हमको मल्टीपल टाइप के जो है वो क्रॉप्स लेनी होती हैं तब हम ज़्यादातर पॉली हाउसेज को यूज़ करते हैं, इसमें अलग अलग तरीके कल्टिवेशन किए जाते हैं। ऐसे फैन पैड बेस्ड जो है वो पॉली हाउसेज होते हैं जिसमें हम इंसुलेटेड कंट्रोल एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं और जिसमें हम ह्यूमिडिटी को ज़्यादातर कंट्रोल करते हैं। और ये फैन हाउसेज भी जो है वो बहुत जगह आपने देखे होंगे। इसके अलावा हाई टनल बनती हैं, तो टनल अपने जो है वो सीजनल टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल करती हैं। ये तीन तरीके की होती हैं, हाई टनल भी होती हैं, ये जो है लो टनल भी होती हैं, और ये टनल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जो बाद में जो है वो रिमूव भी करे जा सकते हैं। उन टनल को जो है वो आप अपने क्रॉप्स पे यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उनको जो है वो आप हटा भी सकते हैं। शेड हाउसेस बनाए जाते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कि जब डायरेक्ट हमारे किसी प्लांट को जो है वो सनलाइट से रोकना होता है तो शेड हाउसेज भी बनते हैं, जहाँ पे हमने आपको बताया कि सनलाइट के डायरेक्ट इफेक्ट को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन हाउसेज बनते हैं जहाँ पेस्ट कंट्रोल के इन्वायरमेंट को हम डेवलप करते हैं। मल्टी स्पेन ग्रीन हाउसेज बनते हैं जहाँ पे लार्ज स्केल में जो है वो कल्टिवेशन होता है। हाइब्रिड जो है वो ग्रीन हाउसेज बनते हैं जिसको बहुत किसी भी तरीके से, जैसे आप ग्रीन हाउस पॉली हाउसेज को जोड़ें, जहाँ पे भी हाइब्रिड हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे ये ऐसे ट्रॉपिकल ग्रीन हाउसेज बनते हैं। एक्वाफोनिक जो है वो ग्रीन हाउसेज बनते हैं। वर्टिकल फार्मिंग की फैसिलिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। फ्लोटिंग ग्रीन हाउसेज भी बनते हैं, नेट हाउसेज भी बनते हैं। इसके अलावा जो है वो कंटेनर ग्रीन हाउस जिसको हमने पहले बताया कि कंटेनर शेप में बनाया, और पोर्टेबल मॉडुलर है ये जिसको हम लोग उसको शिफ्ट कर सकते हैं। पूरा हाइड्रोफोनिक सिस्टम, एक्वाफोनिक सिस्टम बनता है। इसके अलावा कंट्रोल एटमॉस्फेयर जो है वो अगर हम जिसको पूरा जो है वो अपने अलग तरीके से, जहाँ पे हम न केवल जो है वो उसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं, उसकी ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं, हम गैसेस को भी कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे ही कंट्रोल एटमॉस्फेयर जो है वो और एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे जो भी हैं बिजनेस मॉडल्स, ये आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करते हैं। आप किस क्रॉप को जो है वो अपने वहाँ फिजिबल पाते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। कौन सी ऑफ सीजनल क्रॉप आप जो है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। और सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आपकी जो है वो आप जहाँ पे भी बिलोंग करते हैं, जहाँ से बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, वहाँ मार्केट किस चीज़ की है। तो मार्केट की स्टडी करके आप इन क्रॉप्स को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स को, इन फ्लोरिकल्चर को, या आप जो है वो इवन सीड्स के लिए अगर आप कोई भी अपना टिश्यू कल्चर लैब बना रहे हैं तो उसके साथ भी ये जो है वो उसको डेवलप करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्लांट में या नर्सरी में जा रहे हैं तो भी आपको ग्रीन हाउस या पॉली हाउस की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या कर रहे हैं इस पर डिपेंडेंसी है, और आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंसी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि इस पर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है हम इसमें बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हर अच्छी चीज़ की जो है वो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम इतने सारे बेनिफिट हैं तो इसके कुछ चैलेंजेस भी होंगे, कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम इसमें बहुत सारा जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और उसकी अकॉर्डिंग आपको आरओआई देखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है वो उगानी पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपना आरओआई भी देखेंगे। दूसरा इसका ड्रॉबैक है कि अगर हमको इतनी सारी सिस्टम्स को यूज़ करना है एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें हमको स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड जो है वो वर्कफोर्स चाहिए, तो उनकी जो है वो सैलरी भी हाई होती है, इसलिए आपको अपने आरओआई को वो इफेक्ट आता है। तो इसको भी आपको जो है वो मैच कराना, ये हमारा ड्रॉबैक है। इसके अलावा जो है वो जब बहुत सारे सिस्टम्स यूज़ होते हैं और बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे उनमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट भी जो है वो हाई होती है। तो ये कुछ हमारे जो है वो चैलेंजेस हैं जिसको हम कह सकते हैं कि जो उसको आपका मेन है कि आप क्या क्रॉप जो है उसमें यूज़ करें। जब आपको जो है वो सीजनल क्रॉप नहीं करनी है, ऑफ सीजन में क्रॉप करनी है, तो आपको उसको आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी, या आपको जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली क्रॉप्स करनी है, या आपको जो है वो कुछ विदेशी क्रॉप्स को अपने वहाँ उगाना है जो यहाँ नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे जो है वो ड्रॉबैक है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम ये पूरा जो है वो कोई भी किसी भी तरीके का जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रोडक्टेड कल्टिवेशन के लिए अपनी क्रॉप के अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो बिजनेस मॉडल चुनना होगा। पर ज़्यादातर आप जानिए कि उस बिजनेस मॉडल में जब आप चूज़ करेंगे तो किस तरीके के आपको इक्विपमेंट या स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको फ्रेमवर्क चाहिए होगा जो किसी भी तरीके का लोहे का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, इवन आप कुछ लोग वुडन और बैम्बू के भी जो है वो स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। उसके ऊपर एक कवरिंग मटेरियल चाहिए होता है जो कवरिंग मटेरियल बिल्कुल आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको सनलाइट ही कंट्रोल करना है या आपकी क्रॉप के अकॉर्डिंग हो सकता है। वेंटिलेशन सिस्टम है तो एयर के बगैर नहीं चल सकता, तो एयर का एक्सचेंज कैसे होना है, कैसे प्रॉपर वेंटिलेशन उसमें इम्पॉर्टेंट है, कैसे उसमें ह्यूमिडिटी या वेंटिलेशन, तो एक वेंटिलेशन सिस्टम आपको जो है वो या तो ध्यान रखना है या आपको क्रिएट करना है। इसके अलावा हीटिंग सिस्टम, अगर आपको हीट जनरेट करनी है, ह्यूमिडिटी जनरेट करनी है तो हीटिंग सिस्टम भी होना चाहिए। कूलिंग सिस्टम भी होना चाहिए, जहाँ पे आपको कूल करना है वहाँ उसको जो है वो आपको कूलिंग सिस्टम चाहिए। जहाँ पे इरीगेशन का पूरा प्रॉपर, जहाँ पे जितनी क्रॉप को रिक्वायरमेंट है उसके पानी की उतना ही पानी पहुँचे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लाइट सिस्टम आपको चाहिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चाहिए, आपको जो ग्रोइंग बेड्स और बेंचेस चाहिए, आपको हैंगिंग सिस्टम चाहिए, आपको जो है वो एक शेड या एनर्जी जो है वो स्क्रीन्स चाहिए, आपको अगर आप पैड्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंसुलेशन चाहिए, आपको वाटर स्टोरेज चाहिए, आप वाटर को बार बार रिसाइकिल करने है जिससे कि उसको जो है वो कम यूज़ हो, वो सिस्टम आपको चाहिए। आपको ऑटोमेशन अगर आप कर रहे हैं तो ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम चाहिए। इन्वायरमेंट को अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं उसका मॉनिटरिंग सिस्टम आपको चाहिए। आपको जो है वो प्रॉपर वर्क स्पेस में कैसे एंट्री हो रही है, कैसे एग्जिट हो रही है, ये चाहिए। एनर्जी सप्लाई करना है वहाँ पे तो आपको लाइट चाहिए, आपको सेफ्टी फीचर्स को भी ध्यान रखना है, आपको न्यूट्रिशंस भी सप्लाई करने हैं तो उसका भी मैनेजमेंट करना है, और आपको जो है वो जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंटरनल जो इंसेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारे आप किसी तरीके का भी एटमॉस्फेयर बनाएंगे, कोई भी आप कंट्रोल इन्वायरमेंट डेवलप करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हमने प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन की बात की तो आपको ये जानने की भी बहुत ज़रूरत है कि इस प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं या हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जो ज़्यादातर हिंदुस्तान में अलग अलग पार्ट में ये हो रहे हैं, और इसमें ज़्यादातर वेजिटेबल्स हैं या फ्लावर्स हैं या कहीं पे जो है वो हर्ब्स भी इसमें हो रही हैं। और बहुत बड़ा काम इस पर जो है वो नर्सरीज़ के लिए या सिप्लिंग्स के लिए या जो है वो टिश्यू कल्चर के जो भी क्लोज हैं उनके लिए, उसमें से उसके थ्रू प्लांट को डेवलप करने के लिए इसका यूज़ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो जो है वो टमाटोज़ पे काम हो रहा है, चेरी टमाटोज़ पे काम हो रहा है, जिसमें लगभग अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 1000 स्क्वायर मीटर से आप इसमें जो है वो कर सकते हैं, जिसमें से जो है वो 80 से 100 टन तक आप जो है वो प्रॉपरली पर हेक्टेयर इसमें जो है वो आप क्रॉप कर सकते हैं। और जो है वो इन्वेस्टमेंट जो आता है वो हार्डली जो है वो 35 से 40 लाख रुपए इसका आता है। इसमें सारा इरीगेशन सिस्टम, सीड और सब कुछ इसमें शामिल है, और अच्छा आप रिटर्न इसमें जो है वो मार्केट के अकॉर्डिंग इसमें रिटर्न आप जो है वो पा सकते हैं। इसके अलावा कुकुम्बर बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी 1500 स्क्वायर मीटर की आपको जगह चाहिए, थोड़ा सा बड़ा, पर इन्वेस्टमेंट रफली 50 लाख के आसपास होता है, और इसमें भी जो है वो आप बहुत अच्छा जो है वो फ़ायदा कमा सकते हैं। कैप्सिकम जो है वो अलग अलग आज कितनी डिमांड हो गई है, और अलग अलग कलर्स के इसमें जो है वो हम ले सकते हैं। इसमें भी करीब वही आपको जो है वो 1000 स्क्वायर मीटर से 1200 स्क्वायर मीटर के आसपास का स्पेस चाहिए, और ये सब 50 लाख के आसपास का रिटर्न है। अगर आप जो है वो फ्रूट्स की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रॉबेरी बहुत लोग करते हैं, तो छोटी जगह भी चाहिए आपको, इसमें आप जो है वो 500 स्क्वायर मीटर से भी शुरू कर सकते हैं, और ये 25 से 30 लाख के इन्वेस्टमेंट में 35 लाख में जो है वो हो सकता है। इसमें जो है वो लेट्यूस जो होते हैं, जितने आपको जो पत्ते, जितनी सलाद यूज़ हो रही है आजकल, बहुत इसका जो है वो चलन हो गया है, और इसमें जो है वो आप छोटा सा भी जो है वो 25 लाख का भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप जो है वो 1000 स्क्वायर मीटर का आराम से आप डेवलप कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप इसकी, क्योंकि डिमांड बहुत है, आज हर कोई जो है वो अच्छी सलाद का यूज़ करना चाहता है, बहुत सारे प्लांट्स के, लेकिन जो आज सबसे ज़्यादा जिसकी जो है वो यूज़ हो रहा है वो रोजेज़ के लिए हिंदुस्तान में यूज़ हो रहा है। इसमें आप जो है वो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, 70 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट होता है, थोड़ा स्पेस भी आपको ज़्यादा चाहिए, तो इसमें आप जो है वो अच्छी तरीके से, गुलाब की तो हर जगह ज़रूरत हो जाएगा, और खासकर इसके जो मैरिज सीजन होता है उसकी डिमांड के साथ साथ रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, हर्ब्स बहुत तरीके से आप जो है उसमें जो है कुछ भी आप किसी तरीके की हर्ब इसमें जो है वो पैदा कर सकते हैं, जिसको छोटे इन्वेस्टमेंट से 15-20 लाख से भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कुछ जो है वो कंट्रोल एटमॉस्फेयर पूछने की जरूरत नहीं होती है। छोटे से ग्रीन हाउस नेट हाउस से भी शुरू कर सकते हैं। जरबेरा सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो आज की डेट में, क्योंकि उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, उसमें जो है वो इसका भी जो है फ्लोरिकल्चर में साथ साथ में हर्ब्स पर भी यूज़ होता है। ये बहुत सारे जो है वो जो रेगुलर जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो ये सारे जो है वो बिजनेस मॉडल है, लेकिन आप अपनी जगह अपने जो है वो एरिया और अपनी मार्केट के हिसाब से, क्योंकि कंट्रोल एटमॉस्फेयर है, आप बहुत सारी ऑफ सीजन क्रॉप इसमें पैदा कर सकते हैं। आपके लिए आपकी चॉइस है, पर कुछ भी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में अगर आप किसी प्लांट को उसके लायक एटमॉस्फेयर देंगे, नींद भी बढ़ेगी और वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करेगा, तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ सीजन में आपको रेट भी मिल पाएगा। गवर्नमेंट इसमें बहुत सारी सब्सिडी दे रही, जो भी हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, हॉर्टिकल्चर मिशन है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सब्सिडीज़ हैं। स्पेशली जो है वो जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, उनके लिए सब्सिडीज़ ज़्यादा हैं, पर ये 40% भी है, 50% भी है। आपकी स्टेट के हिसाब से आप जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी मिलती है। कैपिंग भी अलग अलग है, कहीं पे 30 लाख का प्रोजेक्ट की कैपिंग है, कहीं 50 लाख की है, तो आप अपने स्टेट्स में पता करिए, लेकिन आप जो है वो इसमें 30 से लेकर 50% तक सब्सिडी पाएंगे। ये बिल्कुल रेस्ट एश्योर है। जैसे अगर आप प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन कर रहे हैं तो हर स्टेट कोई ना कोई सब्सिडी इसमें दे रहे हैं।